कोई कुछ भी बोले, लेकिन जब से पठान का टीजर रिलीज हुआ है ना, जब से लोगों के अंदर से एक आग निकली है जो लोग काफ़ी लंबे समय से दबाए बैठे थे। देखिए, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बॉलीवुड कैसे भी करके कोई ऐसी मूवी बनाए जो साउथ इंडस्ट्री की टक्कर ले सके, और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है कि सलमान खान और ऋतिक रोशन की एंट्री कैसे होगी। देखिए, हम पठान टीजर के बारे में बात कर रहे हैं, और जिसमें शाहरुख खान के दमदार एक्शन और टीजर ने जो समा बांधा है ना भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इसमें हम ये सोच रहे हैं कि अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है कि आखिरकार कैसे इस मूवी में सलमान खान और ऋतिक रोशन की एंट्री होगी। लेकिन अब खबर बहुत बेहतरीन निकल के आ रही है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठोगे। एक्चुअली रिपोर्ट्स आ रही हैं और बताया जा रहा है कि इस मूवी में शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का तो क्लोज कनेक्शन निकलने वाला है। मतलब ऋतिक रोशन और शाहरुख खान दोनों शायद एक साथ बहुत देर तक एक्शन करते हुए भी दिखेंगे, और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन निकलेगा। इस फिल्म के टीजर ने भी यही साबित किया है, क्योंकि जो फिल्म का टीजर शुरू होता है वो आशुतोष राणा के साथ शुरू होता है। आशुतोष राणा वही जो वॉर फिल्म में भी कबीर सिंह के सीनियर बने थे। रिपोर्ट से और भी बड़ी बड़ी खबर आ रही हैं, और हमने जो सोचा था वही हो रहा है। एक्चुअली पठान और कबीर सिंह एक ही टीम से लड़ने वाले हैं, और दोनों एक ही साथ दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर ऐसा होता है तो ऋतिक रोशन का स्वैग और शाहरुख खान की एक्टिंग बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन को फाड़ देगी भाई। फिर आप 100, 200, 300 करोड़ नहीं बल्कि 500, 600 करोड़ का आंकड़ा लगाइए, क्योंकि इस फिल्म के लिए फिर 500 करोड़ कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और आपको ये बात तो पता ही होगी कि इस फिल्म में पोस्ट क्रेडिट सीन भी हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि दो। अब वो किस टाइप की हैं ये तो अब मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, या ट्रेलर में अगर ये कुछ हिंट दे देते हैं मूवी के लिए तो कुछ और ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ ट्रेलर में हिंट तो मिलना चाहिए कि कैसे टाइगर और कबीर सिंह पठान का संग देते हैं। हमें क्या है, हम तो बहुत दिनों से यही वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी फिल्म तो आए जिसे देखने के लिए अंदर से आग उठे, और अब ऐसी ही आग उठने लगी है भाई। इंडिया के एवेंजर बनने जा रहे हैं ये लोग, स्पाई यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है। सोचिए कि जब तीनों एक साथ दिखेंगे थिएटर में, जब तीनों एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, जब तीनों एक साथ ब्रूटल एक्शन करते हुए दिखेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। और यही मज़ा तो हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे। खैर, देखते हैं फिल्म के ट्रेलर आने पर क्या हमें नया देखने को मिलता है, और ये क्या लोग खास करने वाले हैं। जहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।